विषम परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ चट्टान की तरह से खड़े होकर के और वहां पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में दिग्विजय पाल को जिताने का काम किया, कमल खिलाने का काम किया, जिससे आज निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए गर्व का विषय है। माननीय सांसद जी को हमारे सभी बूथ अध्यक्षों ने अलग करके चुनाव जिताया और राजनेता नेता तो सम्मानित होता ही है लेकिन एक कार्यकर्ता ही नेता बनता है और उन नेताओं को बनाने का काम हमारे भाजपा के कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष ही करते हैं, इसलिए आज हम लोगों ने उनका सम्मान किया है। और निश्चित रूप से जो हम लोगों ने चुनाव के दौरान जो तय किया फर्स्ट सीजन पर वो हमने सम्मान किया और हर बूथ अध्यक्षों को तो कुछ न कुछ उनको अंग वस्त्र दे करके सम्मानित किया है और आज उन्हीं की देन है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। पहली बार इस तरह का अवसर है कि कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जा रहा है, कारगर हो या न हो लेकिन जिस तरह से 2024 के चुनाव में सिद्धार्थनगर के डुमरिया लोकसभा के भाजपा के कार्यकर्ताओं ने विषम परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ चट्टान की तरह से खड़े होकर के और वहां पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में दिग्विजय पाल को जिताने का काम किया, कमल खिलाने का काम किया, जिससे आज भारत में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ने 60 वर्षों के बाद एक रिकॉर्ड बना के कोई सरकार तीसरी बार आई। इस संबंध में हमारे भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष गोविंद माधव जी रहे जो वर्तमान में नगर पालिका के चेयरमैन है, इन्होंने चुनाव के दौरान गोविंद माधव जी हमारी पत्नी जो पूर्व चेयरमैन बस्ती रही है उनके समक्ष कहा था कि जो कार्यकर्ता अपने बूथ पे नंबर 1, 2, 3 पे आएंगे उनको हम सम्मानित करेंगे। तो आज चुनाव में तो बहुत बातें कही जाती लेकिन शायद और पार्टियों में वो कार्यकर्ता भूल जाते। आज चुनाव में हमने जो कहा था उसके संबंध में आज नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद माधव जी ने कार्यक्रम अपने कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने का काम किया था, जिन्होंने 2024 के चुनाव में मुझे जिता के भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने का काम किया और ये शायद अन्य जगहों के लिए भी दूसरी लोकसभाओं के लिए भी एक रोल मॉडल होगा कि जहां जैसे इस शहर की नगर पालिका तो नंबर 1 बूथ आया उसके कार्यकर्ता को एक सम्मानित करने के लिए 25,000, जो नंबर 2 पे बूथ था उसको 15,000, नंबर 3 पे 10,000 और सभी कार्यकर्ताओं को अंगवस्त्र देकर के सम्मानित करने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी की ही संस्कृति है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को देवतुल्य मानती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विचारों की पार्टी है, सिद्धांतों की पार्टी है और ये सिद्धांतों विचारों से जुड़ी और पार्टियां परिवारवादी है, व्यक्तिवादी है, ये सिद्धांतवादी और आप उसी का नतीजा देखते हैं कि तीसरी बार आज देश में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार है।